Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. Hello, ladies and gentlemen. Please welcome Sapna from Nala Sopara. Hi. Sapna, ये क्या कर रही हो? अरे इतने बड़े-बड़े host लोग बैठे हैं. मेरे को लगा था ये लोग मेरे को reproduce करेंगे. Reproduce? हाँ, वो introduce करेंगे. वो आज host करने नहीं आए, वो हमारे guest हैं आज के. अच्छा, आप लोग guest हैं? मेरे को मालूम इसलिए था हमारे गेस्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाएं और एक बार जोर से तालियां हो जाएं बस कर कितनी तालियां की बजवाई अरे इन्होंने पूरी जिंदगी लोगों के लिए तालियां बजवाई आज तो मैं बजवा के रहूंगी जोरदार तालियां हो जाएं सही बात एब्सोल्युटली राइट मैं आप लोगों को स्टाइल में आप लोगों को इंट्रोड्यूस करती हूं ओह गॉड वाह वाह जिनको मिलने के लिए जिनको मिलने के लिए आशुतोष राणा जी करते थे सौ सौ बहाने प्लीज वेलकम मिनी माथुर ये क्या राइमिंग ये राइमिंग तो मेरी बनी ओ सॉरी मेरे से गलती हो गया हाँ सॉरी मैम वो एक्चुअली क्या मैं ट्रेन से आती हूँ ना हाँ तो ट्रेन में ना ऐसा रहता है तो वो जो दिमाग की बातें रहती इधर की बात इधर चली जाती इधर की बात इधर चली जाती है हाँ मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है एक्चुअली क्या हुआ था मेरी जो बहन है ना उसको मेरे को बोलने का था कि मैं अपने छावा से मिलने जा रही हूँ पापा को मत बताना अच्छा तो मैं ट्रेन से गई बताने के लिए सब इधर उधर हो गया मैंने जाके पापा को बता दिया कि मैं छावे से मिलने जा रही हूँ मेरी बहन को मत बताना बहुत मारा रे पापा उन लोगों ने मेरे को सपना तूने आते ही फालतू बातें शुरू कर दी आते ही क्या मैं जाते ही भी फालतू बात करूंगी फालतू बात में मजा आता है ना और क्या चाहिए चलो शुरुआत करती हूँ मैम आपसे मैं हाँ हाँ जरूर बहुत आप रेणुका शाहने जी ना हाँ पर आप इतनी पतली कैसे हो गई गैप हो गया था ना छह महीने का बीच जब पता है दूसरे चैनल वाले खाना नहीं देते क्यों गई थी उधर रेणुका शाहने जी ना हमारे नाला सुपारे में सब शाहने लोग हैं मैं सच्ची बोलती हूँ अच्छा मैम एक एक बात बोलूँगी मतलब गलत मत समझना हाँ नहीं नहीं मेरे को ना आशुतोष राणा जी मार्केट में मिले थे हाँ तो उनको मिलते ही मैंने हाथ जोड़ दिए तो इसमें क्या गलत बात है नहीं उनको ऐसे गले लगा के हाथ जोड़ दिए ऐसे करके हाँ मैं उनकी फैन हूँ ना इसलिए मैं गई थी हाँ लेकिन उन्होंने क्या किया अरे वो बहुत प्यार करते हैं आपको उन्होंने मेरे को कुछ हिंदी में बोला तो मैं समझी नहीं क्योंकि उनका क्या बहुत ऐसा टफ हिंदी रहता है ना तो उनको मैंने बोला सर आप मेरे को लिख के दो वाह क्या क्रिएटिविटी है अभी आशुतोष जी की लैंग्वेज ना याद करना बहुत टफ रहता है कपूर उन्होंने लिखा भोजन भजन खजाना यारी ये सब पर्दे के अधिकारी अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ 8 बजे के बाद कॉल करना नारी ऐसा मेरे को बोले थे वो सपना तुझे शर्म नहीं आती इतने प्यारे और मासूम हमारे राणा साहब उनके बारे में ऐसी बातें कर रही नहीं शर्म नहीं आती पेमेंट आती है नहीं नहीं मैं आपके मैं बहुत फैन हूँ मैं आपका सब पिक्चर विक्चर भी देखे ली हूँ अभी भी आपकी पिक्चर आई थी ना श्री 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 गोविंदा मेरा नाम गोविंदा मेरा नाम डायरेक्ट नाम नहीं ले सकती ना मामा है मेरा यार ऐसे गोविंदा बोले अच्छा नहीं लगता और वैसे भी कहते हैं ना पजामा गिर जाए तो झुक के उठाने का और मामा रूठ जाए तो फट से पटाने का ऐसा रहता है ऐसा रहता है हाय परी हाय हाउ आर यू आई एम लुकिंग वेरी प्रिटी थैंक यू अभी बारिश हो जाती ना बहुत अच्छी लग रही है एकदम से लड़का निकलता है अंदर से फिर आप उसमें होस्टिंग करते थे ना वो इसका वो हंसने वाला शो में चैलेंज तो बिल्कुल नहीं था उसके साथ काम करते हुए लेकिन वो आप होस्टिंग करके इसको बुलाते थे या आके कॉमेडी करता था आज तूने इनको बुलाया है आज भी तू ही कॉमेडी कर रहा है इस बात से कुछ सीखा तूने क्या कोई तेरे को बुलाए या तू किसी को बुलाए कॉमेडी तेरे को ही करनी है हमको भी पता हाय दीप्ति जी हाय
आपका भी मैं शो देखती थी टीवी पे. थैंक यू. आप उसमें से घूमते थे ना. 10 साल में कितना देश घूमे रहेंगे आप? अराउंड 1991. अर्चना जी कुछ सीखो इनसे. क्या? ये होता है प्रोडक्शन के पैसे पे ऐश करना. ये तो सिंह चना में खुश हो जाती हैं. माथुर जी. हाय. कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ. और आपके बाल कितने अच्छे लग रहे हैं. थैंक यू. लेके जाना आप, मैं दे दूंगी आपको. आपको पता मेरा भी एक सपना था कि मैं होस्ट बनूं. फिर? हाँ, फिर एक होस्ट आया मार्केट में. उसने मेरा सपना तोड़ के मेरे को ही सपना बना डाला. सपना तो करने के आई इधर. मैं एक्चुअली बताने आई थी आप लोग को. ऋचा जी, मैं एक स्टार्टअप चालू किया है मैंने. अच्छा. हाँ, टाइम वेस्ट करने का. टाइम वेस्ट स्टार्टअप. एक्चुअली क्या, हमारे नाला सुपर में बहुत टाइम है लोगों के पास. तो वेस्ट कैसे करे, उसका मैंने चालू किया है. एक्चुअली क्या, उधर एक आदमी खड़ा था ऐसे नदी पे, मैंने उसको ऐसे धक्का दे दिया. तो इसमें कहाँ टाइम वेस्ट हुआ? जो लोग ढूंढने हैं उनका तो टाइम वेस्ट हुआ. ऐसे रहते हैं. हाँ, मेरे को ना आप लोग एक दिन के लिए नाला सोपारा में लगेंगे. लगेंगे. क्यों? वो एक्चुअली मेरे चाचा जी है ना. हाँ. वो जेल से छूट कर आ रहे हैं. तो उनकी खुशी में एक फंक्शन रखे लाए, तो होस्टिंग करने का था आप लोग. शर्म नहीं आती कि मुजरिम छूट गया उनके लिए इतने बड़े बड़े मेहमानों को बुला. मेरे चाचा को मुजरिम मत बोलना तू. मुजरिम मुजरिम क्या होता है? पुलिस वालों ने उनको फंसाया था. कैसे? अरे पुलिस वालों ने उनको बोला कि कभी भी आपको हेल्प चाहिए तो 100 डायल करना. हाँ. अब मेरा चाचा चोर है. तो वो चोरी करने के लिए गया. वो तिजोरी का ताला तोड़ रहा था, वो टूटा नहीं. हेल्प के लिए उसने 100 डायल किया. तो पुलिस वालों ने आके उसी को तोड़ डाला. रे बाबा. लेकिन जो भी है, मेरे चाचा का ना टांग टूटेला है. हाँ, फिर भी वो भाग लेते हैं. टांग टूट गई फिर भी कैसे भाग लेते हैं? चेस में भाग लेते हैं. फिर सांप सीढ़ी में भाग लेते हैं. भाग लेते हैं. फिर क्या बोलते हैं, तीन पत्ती रहता है ना. हाँ. उसमें तो पक्का भाग लेते हैं. हाँ. क्योंकि उसमें पुलिस फिर आ जाती है. तो वो हाथों के बल भाग लेते हैं. वो तो कानों के बल भी भाग लेते हैं. चल झूठी, कानों के बल कैसे भाग सकता कोई? नहीं भाग सकता. तो नहीं भागते होंगे फिर. नहीं, मैं तो आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रही थी. स्टार्टअप बताया था ना मैंने. हाँ, मैं तो बहुत अच्छा टाइम वेस्ट कर लेती हूँ अर्चना जी. आप लोग का टाइम वेस्ट हुआ ना. जिसका भी नहीं हुआ है प्लीज मेरा नंबर ले लो. नंबर क्या है तुम्हारा? तेरे पास कितना टाइम है रे वेस्ट करने के लिए? पूछ रहा है, नंबर ले लो. खैर, लेकिन भले ही मैंने आप लोगों का टाइम वेस्ट किया हो, आप लोगों ने आके 4 चांद लगा दिए शो पे. इनके लिए जोरदार ताली. बाय, सी यू. अच्छा, हम आपके हैं कौन? क्या कल्ट फिल्म, क्या मजेदार फिल्म. रेणुका जी ने भाभी का रोल प्ले किया था उसमें. देखो ये तालियां इस बात का गवाह है. मेरी भी भाभी जब घर में नहीं आई ना, तो मुझको लगा ये रेणुका शाहने जैसे बिहेव क्यों नहीं कर रही. हमने तो वही सोच के भाई की शादी की थी. अच्छा, लोगों ने इतना पसंद किया उस किरदार को निभाने के बाद, आपके पास भाभी के ज्यादा ऑफर आने लगे किरदार के, शादी के ज्यादा आने लग गए थे? भाभी भाभी के. सब अपने भाई की शादी मुझसे करवाना चाह रहे हैं. मैम, जो आप सीढ़ियों से गिरती हैं, आपको डर नहीं लगा था कि अगर एक बार में ओके नहीं हुआ तो वाट लग जाएगी बार बार सीढ़ियों? जब सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने के लिए थोड़ा सा गिरना भी पड़ता है. आए आए। आए। और सूरज जी, 2-2 मिनट आके पूछ रहे थे कि कुछ हुआ तो नहीं, और कैसे होता. मुझे तो बल्कि अभिनय करना था कि मुझे लग रहा था, क्योंकि उन्होंने पूरी स्पंज की ऐसी स्टेयरकेस बनाई थी जिसपे मुझे ऐसा अभिनय करना था कि मुझे बहुत लग रहा था. एक्चुअली ऐसे मिनिमम आप और ऋचा जी, आप अगर दोनों को भगवान की सेक्रेटरी का कॉल आए कि वो रेडी हैं आपको इंटरव्यू देने के लिए, बे मजा आ गया है तो. तो ऐसे कौन से सवाल होंगे जो आप उनसे पूछना चाहेंगी? मैं उनसे 3 सवाल पूछूंगी. ओके. उनसे एक तो ही पूछूंगी, ये जो बनाया जाता है कि जो स्वर्ग जाता है वो सब सफेद सफेद और सब ऐसे होता है, और जो नर्क जाता है वहाँ आग जल रही होती है और पार्टी चल रही होती है और सब
पार्टी चल रही है, बेकार लोग ड्रग्स ले रहे होते हैं और यहाँ पर, तो मेरे को एक तो समझना है कि ये इनका डिफरेंशिएशन क्या और क्या करके आप यहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे, मेरे दोस्त कहाँ मिलेंगे बेसिकली मुझे। दूसरी चीज मैं उनसे पूछूं, ये आप भगवान जी है, कितने आपके कितने रूप है, नीचे झगड़ा ही बड़ा चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, कितने धर्म बना दिए, कितनी जाति बना दी है, तो है कितने आप, एक ही है, दैट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क हिम। एंड कब आओगे, प्रकट कब होगे यहाँ पर आके सब सुलझाने के लिए, दैट्स प्रोबेबली व्हाट आई वुड आस्क हिम। वेरी नाइस क्वेश्चन। और मैं आपको एक बात मजे की बताऊं, भगवान भी हमारा शो देखते हैं, उन्होंने जरूर आपके क्वेश्चन सुन लिए। ऋचा, आपके बारे में एक हमने बात सुनी कि आप और पंडित रविशंकर जी किसी कॉन्सर्ट में बैठे हुए थे और आपको शायद लगा कि पंडित जी शायद बोर तो नहीं हो रहे, आपने कहा कि उठ के चलते हैं और उन्होंने आपको बिठाया, क्या मेरे को पूरा किस्सा नहीं पता, प्लीज बताइए। अरे वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन, जो सितार वादक पंडित रविशंकर जी की बात हो रही है यहाँ पे, तो उनको कुछ हाँ कहीं अवार्ड मिला था कुछ, तो उनके तो वैसे वो बाउंसर, हम ही उनके बाउंसर हुआ करते थे जब तक वो थे, मैं उनको हाथ पकड़ पकड़ के स्टेज पे मंच पे बहुत बिठाया उनको, तो वो जो आर्टिस्ट है, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, मतलब मुझे जब लगा कि इतना बेसुरा गा रहा है तो मुझे लगा गुरुजी पे कितना टॉर्चर हो रहा होगा, मतलब जिस व्यक्ति को संगीत का भगवान कहते हैं और वो बैठ के सुन रहा है, तो अब वो मेरी एरोगेंस कह लीजिए, तो मैंने जाके कहा गुरुजी आपको तो अवार्ड मिल गया, चलना है तो चलें। ही सेड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो जिंदगी में रह गई साथ, उन्होंने कहा बेटा कलाकार मंच पर है, उठ कर नहीं जाते, वो जब गाना खत्म करेगा तब जब, तो वो एक सीख चीज सीखी मैंने कि आप कितने, आपका बड़प्पन इसमें होता है कि आप अपने से छोटों को कितनी इज्जत दे पाते हैं, क्या बिल्कुल, उनको क्या कैसे, तो उन्होंने वो कलाकार का सम्मान रखा और कला का सम्मान रखा, बोले वो मंच पे गा रहे। मुझे ना जो आपने पंडित जी का किस्सा सुनाया, बड़े लोगों की यही बात उन्हें बड़ा बनाती शायद, ये मुंबई में एक इवेंट था कॉर्पोरेट कंपनी का कोई, तो मैं परफॉर्म कर रहा था, मुझे बोलता करिए आप अभी, मेरे बाद ना बच्चन साहब आने वाले थे, कुछ इनॉग्रेशन था उनका, तो जैसे ही बच्चन साहब आए तो पता चल गया उधर बाउंसर बाउंसर आ रहे, तीन चार इवेंट ऑर्गेनाइजर, मेरे को कहा था कि निकलो तुम, बच्चन साहब आ गए, और मैं वो करने लगा और मैंने बच्चन साहब को भी देख दिया, वो ऐसी गुफा सी नहीं बनी होती जैसे अपनी बनी, तो उसके अंदर खड़े और वो इवेंट वाले को बोल रहे हैं कि तुम चुप रहो, लेट हिम फिनिश हिज परफॉर्मेंस, तो दैट्स व्हाई, दैट्स अमेजिंग, बच्चन साहब, लव यू बच्चन साहब, ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.